कि हमने क्षेत्र का विकास किया है, सम्मान किया है, हमने कभी जात संघर्ष के धरने नहीं करवाए हैं, सड़कों का जाल बिछवा दिया था, पानी की टंकियां हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या थी पानी की, जो कि उनके पैर और हाथ खराब हो जाते थे, 22-22 टंकियां हमने क्षेत्र में लगवाई है, 13-13 पुल बड़े बड़े पुल हमने लगवाए हैं, चाहे वो कहा का पुल रहा हो, चाहे देश का साबरमपुर का, चाहे पठन का, अनेक पुल बनवाए हैं और हमने क्षेत्र की जनता की सेवा की अपील की है। हम चाहते हैं कि आपका ये जो हसनपुर क्षेत्र है, जनता आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ज्यादा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं सभी आए सभी सम्मानित साथियों का, हमारे कांग्रेस के जो सम्मानित नेता का है, मैं उनका भी, हमारे जो अशोक तिवारी जी है, बहुत मेहनत किए रात रात दिन, आज हमारे राजू त्रिपाठी जी है, जो सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अजीत जयसवाल जी, राम माधव जी, प्रियंका जी, जो भी लोग बहुत मेहनत किया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। निवेदन करता हूं कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, उत्साह वर्धन करें। आप हमारे जनसंघर्ष में हैं, एक पूरी जनता, नौजवान, महिलाएं, बालिकाएं और किसान मजदूर सब आपकी आवाज में आवाज मिलाकर के आपके कंधे में कंधा मिलाते चलेगा। आप पहले संघर्ष कर रहे हैं, ये सब आपके साथ लगे रहेंगे, आपके पीछे लगे रहेंगे। आप संघर्ष करिए, प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। पिछले 5 सालों में आपकी कमाई घटी है कि घटी है? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? ऐसे आ जाओ, किसान कितने हैं? ऐसे बैठ जाओ, जाएगा मामला। आप बताइए, आपकी समस्याएं बढ़ी है कि घटी है? जो छुट्टा जानवर की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए किसी ने काम किया है? आपको खाद समय पे मिलती है? आपको अपनी फसल का दाम मिलता है? बिजली के बिल भरते हो? जब बिजली नहीं आती तब भी बिल भरते हो? मैं समझ रही हूँ कि क्या परिस्थिति है। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात है, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी विज्ञापन छापे, हजारों करोड़ विज्ञापनों पे खर्चे। सरकार का काम ये नहीं होता है कि आपके झूठ पे झूठ आपको बताए। सरकार का काम ये नहीं होता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया लेकिन किसानों का मजा कर्जा नहीं माफ करता। किसान का ये नहीं होता है सरकार का काम।
देखिए ये सरकार जो है प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की जो सरकार है बातें धार्मिक करते हैं, धर्म की बात पर आपके जज्बातों को उभारते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए चलती है, सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए चल रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। ये जो किसान के कानून थे जिसके लिए पूरे देश के किसानों ने संघर्ष किया कि ये कानून नहीं लागू होने चाहिए, ये कानून क्या थे? ये कानून ये थे कि जो आपकी कमाई है, आपकी मेहनत, आपका खून पसीना, लेकिन आप नहीं कमाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति कमाएंगे। ये आपकी संपत्ति और ये सौंपने का आपकी योजना थी। आप खड़े हुए, आपको नकारा गया, लेकिन देश भर के किसान एक साल के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे, कोई नहीं आया उनकी सुनवाई करने के लिए। मोदी जी का घर उसे कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है, एक बार नहीं एक साल में आए, लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगा उनको लगने लगा कि यह तो गड़बड़ हो जाएगी। चुनाव के एक महीने पहले कानून वापस ले लिए, आंसू बहाए, माफी मांगी, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए दिल में क्या था? नियत ठीक थी? नियत ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर नियत ठीक होती तो जो 6 किसानों को लखीमपुर खेरी में उनके ही मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे कुचला, उस मंत्री के साथ आप स्टेज पे खड़े हैं, आप मंच पे खड़े हैं, उसके बेटे को आपने अभी रिहा होने दिया है, उसकी जमानत हो गई है, उस पर FIR नहीं लगा रहे थे जब तक सारी पार्टियां ने आंदोलन नहीं किया, जब वो कुचले गए तो पुलिस नहीं आई उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जब हम जैसे विपक्ष के नेता उनके परिवारों से मिलने गए तो पूरी पुलिस तैनात कर दी हमें पकड़ने के लिए, जैसे हम चोर हैं। इनकी नियत साफ नहीं है जी, नियत खोटी है, समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ, विश्वासघात हो रहा है। जो सरकार, जिस सरकार ने कहा था कि आपके लिए रोजगार बनाएगी, उसने रोजगार घटाए हैं। जिस सरकार ने कहा था कि महंगाई घटेगी, उस सरकार ने 200 रुपए का मिट्टी का तेल, सरसों का तेल खरीद रहे हैं आप, उस सरकार ने 1000 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल पर बिल आप भरे जा रहे हैं, चाहे बिजली आए ना आए। कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय जितने भी लोगों ने हाथ उठा के बताया कि हम छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस है हमारे, आप सब ने अपनी बिजली की बिल भरी, बिल आई, लेकिन कमाई नहीं हो रही, वो सूरत हो, उन सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया, सब साधन खुल गए थे कि किस तरह से वापस घर पहुंचे। हमें फोन आते थे, 23 बच्चों के फोन आए, 31 सूरत में पड़े थे, हमने उनका फोन नंबर देखा सोशल मीडिया पर, उनको फोन किया, रोने लग गए मेरी आवाज सुन के कि दीदी आपका फोन आ गया, हमें बचाओ, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कल तक है उसके बाद नहीं होगा, हमें बचाओ, किसी भी तरह हमें रायबरेली पहुंचाओ। सरकार का काम था इस तरह से लॉकडाउन करना गलत था, उनको पहुंचाना चाहिए था, उनको साधन देने चाहिए थे, ट्रेन बस चलानी चाहिए थी, सबका चेक वेक करके उनको ट्रेन से रवाना करते, नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को मदद किया, बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने कोरोना फैलाया देश में, बताइए, लोग नंगे पांव चल रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर चल रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों को अपने कंधों पर लाद कर चल रहे थे, छोटी छोटी लड़कियां अपने पिता को अपनी साइकिल पर बिठा के ले जा रही थी बिहार तक, और हम मदद नहीं करते, उनको मदद न करना था, हमने किया, क्योंकि ये हमारा धर्म है, क्योंकि आपकी सेवा हमारा धर्म है। ये सरकार सारी नीतियां सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनाती है, जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस है वो जानते हैं। नोटबंदी लाई गई उस समय बताया गया कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी काम है, सारा काला धन देश में आएगा, कोई काला धन नहीं आया, कौन पैसा? छोटा दुकानदार,
सारी नीतियां आपकी भलाई के लिए थोड़ी बनी, ये तो आपको गुमराह कर रहे हैं। इनको तो मालूम है कि कुछ भी करें लोन माफ कर रहे अपने अमीर दोस्तों के, या कर्ज में किसान डूब रहा है, आप किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप वापिस आओगे, धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, वोट मिल जाएगा, फिर काम क्यों करोगे? सारे भाजपा के नेता ही जान गए, जान गए कि जो वोट पड़ेगा ध्रुवीकरण के आधार पर रहेगा, नहीं तो आपके मंच पे आके पाकिस्तान की बात क्यों करें, बुलडोजरों की बात क्यों करें, तमाम फिजूल की बातें क्यों करें, रोजगार की बात करो ना, या तमाम नौजवान खड़े हुए के पास रोजगार नहीं है, की बात करो, क्योंकि आप लोग गुमराह करना चाहते हैं और आप गुमराह हो जाते हो। मत होना, मत होना, मत करना, बहुत हो गया है बहनों भाइयों, बहुत हो गया है। ये देश अमीरों का देश नहीं है, इस देश को आजाद गरीबों ने किया है, ये देश गरीबों का है, सबका है। इस देश में ऐसे नहीं चल सकता कि दो बड़े उद्योगपति देश की पूरी संपत्ति खा जाए, सब उसको उनको बेचा जाए और यहाँ का गरीब सड़क पे हो, इस देश में नहीं चल सकता। इस देश की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, रोजगार बनाने वाले छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो छोटे छोटे कारोबार बनाते हैं, रोजगार बनाने वाली वो संस्थाएं हैं, BHEL जैसे, रेल कॉन्ट्रैक्टरी जैसे, रेलवे जैसे, जो जनता के लिए बनाई गई थी, ये रोजगार बनाती है। आज क्या हो रहा है, सारी बेची जा रही है। आपके सामने मंच पे आते कहते कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया क्या? अरे हमने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या? कहां से आ रही है ये संस्थाएं जो आप बेच रहे हैं, ये हवाई अड्डे, ये बंदरगाह, जो सब बेचे जा रहे हैं, ये देश की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। अच्छे मत दबाओ, समझ लो कि आपके सामने कैसी राजनीति हो रही है। और दोनों समाजवादी दल, बसपा, भाजपा, सब एक ही मिसाल पर खेल रहे हैं। आज कौन से समाजवादी दल और भाजपा एक ही मिसाल पर खेल रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, आपको अलग करके साम्प्रदायिकता की बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इन बातों से सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पे आधारित राजनीति से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं का फायदा होता है, पब्लिक का फायदा नहीं होता, पब्लिक का फायदा कभी नहीं हो सकता। सबके घर परिवार हैं, सबके परिवार में एक मुखिया है, अगर वो मुखिया भाइयों को लड़ाए, बच्चों को लड़ाए, तो क्या उस परिवार का विकास हो सकता है? क्या होता है? फूट करती है, जैसे ही फूट कारोबार लीजिए, छोटे कारोबार लीजिए, आपकी एक दुकान है, आपके दो बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों को लगा लिया, क्या वो दुकान चला पाएंगे? वो तो जाएंगे उस दुकान को थोड़ा गोल से करो, एक बोले तो एक सुनो, लड़ाई होगी, कमाई नहीं होगी। तो समझ लीजिए, जितने राजनीतिक दल आपसे ऐसी बातें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में सरकार में रहे, कुछ भी कर ले। अभी मुझे बताया जा रहा था यहाँ आते वक्त कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो घर में जाकर पायल दे रहे हैं महिलाओं को।
आपको गुमराह करने के लिए कहते करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पर निर्भर रहो, ये चाहते हैं कि आप इंतजार करो उस भोले का, इंतजार करो उन पैसों का। क्यों क्यों? ये देश 70 सालों से आजाद है, खाली पड़े हैं सरकारी रोजगार हजारों लाखों। आपको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्यों नहीं मजबूत करते? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी भोले का इंतजार करते रहे और पूरा जीवन बीत जाए? कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कमाए, बड़े हो, भविष्य बनाए, अपने परिवार की परवरिश करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाए? समझ लीजिए नियम क्या है। आज कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, हमें महिलाओं के लिए विधान निकाला है, नौजवानों के लिए एक विधान निकाला है और एक उन्नति विधान निकाला है। तीन विधान निकाले हैं, मुझे एक और पार्टी बता दो जिसने आपके सामने इतनी विकास की बात की। हम कह रहे हैं आपको एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम तीन मुफ्त देंगे, लेकिन लेकिन हम महिलाओं को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम हर जिले में महिलाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाएंगे, उनके हुनर को बढ़ाएंगे ताकि वो उन पाठशालाओं से निकल के रोजगार ले पाए। हम कह रहे हैं कि 40% सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए देंगे पहले के आरक्षण के तहत। हम कह रहे हैं कि महिलाओं 25% महिला पुलिस में भर्ती होगी ताकि आप पर अत्याचार हो, पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई होगी। हम कह रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए हर ब्लॉक के अस्पताल में महिला डॉक्टर मिलेगी, आपको एक अलग कमरा मिलेगा महिलाओं के लिए। हम नौजवानों के लिए कह रहे हैं भर्ती की प्रक्रिया में घोटाले हैं, भर्ती की प्रक्रिया में माफिया घुसी हुई है। हम कह रहे हैं उसको पारदर्शी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हर भर्ती का एक जॉब कैलेंडर बनेगा, उसमें लिखेंगे प्रति आपकी जो और
हम ये बातें कर रहे हैं। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने विकास करके दिखाया है। हमने जितना भी इस देश में विकास हुआ वो कांग्रेस की सरकार है। बाकी सब जो इन लोगों ने कहा है, जो उद्घाटन भी करते हैं, ज्यादातर उद्घाटन उन्हीं प्रोजेक्ट का करते हैं जो पास हमारे समय में। और रायबरेली की जहां तक बात है, जो हमने प्रोजेक्ट लगवाए इनको बंद करने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सोनिया जी का संसदीय क्षेत्र है। तो आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आप मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, लंबा भाषण नहीं देना चाहती, ये बातचीत करना चाह रही थी सिर्फ ये कहने के लिए कि सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। पंजाबी सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं इस बार। पिछली बार आपने हमारे ही प्रत्याशी को जिताया, लेकिन आपके साथ भी हमारे साथ भी विश्वासघात किया। बाकी सबके लिए उन्नति विधान इसको जरूर पढ़िए।
जहां हम यहां पे छोड़ के जाएंगे इनको जरूर लीजिए और पढ़िए और समझिए कि क्या करना चाहते हैं हम आपके। बहुत बहुत धन्यवाद।